नाजरीन, आज हम मंसूर मलंगी के शागिर्द फखरुद्दीन हमदानी से इंटरव्यू ले रहे हैं। हमें आप बताएं, कोई गज़ल या कोई काफ़ी या डोड़ा हमें सुना दे आप। क्योंकि मैं पहले तो आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 1985 में मंसूर अली मलंगी का शागिर्द था, क्योंकि 2 साल उससे सीखता रहा गुलुकारी, क्योंकि वो बहुत अजीम गुलुकार थे, वो बहुत महारत रखते थे, क्योंकि 2 साल मैंने उससे ये फन सीखा है। हाँ। समझ आ रही है, क्योंकि मैंने गुलुकारी नहीं की और आपको शो नहीं किया। समझ आ रही है, मैंने आपको शो नहीं किया, क्योंकि 2 साल मंसूर अली मलंगी का शागिर्द रहा हूँ, क्योंकि उससे सीखता रहा हूँ 1985 में। बहुत अरसा हो गया है, क्योंकि आज आप आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि इनमें बहुत चैनलों वाले आते हैं, क्योंकि हमने एक चैनल भी खोला था FM वसीम, वो भी बहुत लोग देखते थे, वो भी बहुत मकबूल था। क्योंकि ठीक है, आप हमारे साथ आए हुए, हमने आपको इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कोई आप गज़ल या कोई मंसूर की हमें सुनाते तो ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा, कोई ना कोई। मैं थोड़ा सा कत्ता सुनवा देता हूँ आपको। सुनवा दें। किकरा ते बूर होवन ते ओ किवें निंदरा करन जद सजण जो दूर होवन। इवें चंद बोल दो नाथ शरीफ सुने ना। अज सोहणे नबिया होवणे, अज सोहणे नबिया होवणे, सारी महफिल कु रंग लावणे। अज सोहणे नबिया होवणे, सारी महफिल कु रंग लावणे। ठीक है दोस्तों, आपने कीमती टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी।